साथियों नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां आपको मैं बताना चाहूंगा। साथियों जिस प्रकार से पेमेंट की यहां पर बारिश हो रही है, मात्र साथियों कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका एक दिन में भी पेमेंट डाला जा रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहां पूरी अपडेट बता देता हूं साथियों, रात्रि तक कितने ज़िलों का पेमेंट बिल पास है और कर दिया गया था, ठीक है ना, कल वाले में, और आज किन किन ज़िलों का पेमेंट है साथियों आ सकता है, ठीक है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों अपने दिल को पकड़ के बैठना, ठीक है। आपको बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है आज। देखो साथियों आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा निवेदन मेरे दोस्तों, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो साथियों उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप बेरोजगारी भत्ते की घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से हज़ारों साथी जुड़े हुए हैं, कोई भी समस्या हो तो आप वहां पर कमेंट्स करिए, आपकी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। इन साथियों बात कर लेते हैं दोस्तों बिल पास। दोस्तों 33 के 33 जिलों का जो मार्च माह का बिल है वो पास कर दिया गया है, लेकिन एक चीज़ नोट कर लेना, अभी भी 33 जिलों में काफ़ी तहसीलें बची हुई हैं जिनका अभी मार्च माह का बिल पास नहीं हुआ है, ठीक है ना। कुछ का आज हो जाएगा, बाकी का आने वाले समय में हो जाएगा। वैसे आपको 181 पे शिकायत करवा देनी है, आपका बिल पास हो जाएगा। लेकिन काफ़ी साथियों का अभी फरवरी माह का बिल पास नहीं हुआ है, मार्च का हो चुका है। तो दोस्तों आप ऐसा करना, आपको जिला रोजगार कार्यालय जाना ही पड़ेगा, उनको इस समस्या के बारे में बताना होगा, क्योंकि वो इसका रीज़न ये बताते हैं कि आपने जो भाई ज्वाइनिंग लेटर है वो लेट अपलोड किया, या आपने भाई जो अटेंडेंस है वो लेट अपलोड किया, तो इसका वो रीज़न बताते हैं। लेकिन आप वहाँ जाओगे तो उनको बता देना कि सर हम कैसे करें, उस समय SSO ID वर्क नहीं कर रही थी, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना करें, आपका हो जाएगा। ये बात कर लेते हैं साथियों, जो जैसलमेर ज़िला था जिसका बिल हटाया गया, फिर लगाया गया, फिर हटाया गया, फिर लगाया गया, तो रात्रि तक है वो जैसलमेर का बिल है, पुनः उसको वहाँ पर लगा दिया गया था आरामदारी से, ठीक है। तो आप अपना चेक कर सकते हो जैसलमेर ज़िले वाले। इब साथियों बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खुशखबरी। देखो साथियों मैं हरदम कहता हूँ कि दोस्तों आपका भत्ता कहीं नहीं जाने वाला, हो सकता है आपका बिल पास लेट हो सकता है, लेकिन जैसे आपका बिल लेट पास होगा तो आपका पेमेंट भी लगभग 12 या 24 घंटे में डल जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो नागौर ज़िला था भाई, उसका बिल है लेट पास हुआ, और जैसे लेट पास हुआ तो उसका पेमेंट मात्र 24 घंटे के अंदर ही डाल दिया गया था, ठीक है ना। उसके बाद साथियों पेमेंट डाला गया है भरतपुर का भी, उसके बाद चूरू का डाला गया, उसके बाद दौसा का डाला गया। कहने का मतलब कल 4 ज़िलों का पेमेंट है वो डाल दिया गया है, जिसमें 2 ज़िलों का पेमेंट रीपेमेंट, ठीक है ना, और 2 ज़िलों का पेमेंट है फ्रेश पेमेंट आया है, ठीक है। और कुल मिलाकर साथियों अब तक 28 ज़िलों का पेमेंट है वो आ चुका है, ठीक है, और आज कुछ ज़िलों का पेमेंट और डाल दिया जाएगा। आप निश्चित रहना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं साथियों। मैंने आपको जो टोल फ्री नंबर दे रखे है ना, उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, उन पे कॉल करो, उनसे पूछ सकते हो, आपको बता देंगे, ठीक है ना। खुश रहे, मस्त रहे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।